हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेजर और ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस लेजर क्या होता है, लेजर का यूज कैसे करते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स की डिटेल्स में इससे लास्ट वाले वीडियो में समझा चुका है, तो वीडियो जाकर के अवश्य देखिएगा। और लेजर्स कौन सा लेजर बनाते हैं, वो किस ग्रुप में जाएगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर सब ये लेजर्स लिखे हुए हैं, यहां पर ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं। मीन्स ये है कि जब भी आप टैली में विजी या मार्क किसी भी अकाउंट सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लेजर जब भी आप बनाते हैं तो वो लेजर किस ग्रुप में जाएगा, वही आज हम समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिएगा मिस्टर राज इन्फो टेक, ये कोई एक आपकी कंपनी है, जो यहां पर देखिए ये सैंडी क्रिएटर में। मींस जैसे कि मान लीजिएगा एज ए एग्जांपल, जब भी हम कोई भी माल किसी भी कंपनी से खरीदते हैं, तो वो कंपनी जब हम लेजर उस कंपनी का बनाते हैं तो वो सैंडी क्रिएटर में जाएगा। वैसे ही मिस्टर विवेक इन्फो टेक, ये भी सैंडी क्रिएटर है, मींस वही है। इसके बाद मिस्टर करण सैंडी डेबिटर और मिस्टर शिवम सैंडी डेबिटर। मान लीजिएगा कोई भी कस्टमर जब आपके यहां कोई माल परचेस करने के लिए आता है, मींस जब आप किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं, माल देते हैं, या किसी कंपनी को कोई माल आप देते हैं, तो वो सैंडी डेबिटर में जाते हैं। इसके बाद अगर आप सैंडी इनकम का लेजर बनाते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इसके बाद रॉयल्टीज रिसीव करते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम एसबीआई बैंक, अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट एसबीआई या अदर्स किसी बैंक का लेजर बनाते हैं, तो वो बैंक ओडी अकाउंट में आप उसे उस ग्रुप में जाएगा। कस्टम ड्यूटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लायबिलिटीज में जाएगी। सैलरी पेबल का लेजर बनाते हैं, वो आपके करंट लायबिलिटी ग्रुप में जाएगा। टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अर्न इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई भी लेजर बनाते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस, टीडीएस ऑन सैलरी करेंट लायबिलिटी, टीडीएस प्रोफेशनल फीस करेंट लायबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टीडीएस ऑन कमीशन करेंट लायबिलिटीज, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर प्लांट रिजर्व एंड सरप्लस, इसी तरीके से आपका ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर मशीनरी रिजर्व एंड सरप्लस, इसी तरीके से फर्नीचर ये भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम आईसीआई बैंक, अगर आप लोन किसी बैंक से लेते हैं और लोन फ्रॉम बैंक का कोई लेजर बनाते हैं वो सिक्योर्ड लोन में जाता है। इसके बाद लोन फ्रॉम फ्रेंड, अगर आपने किसी फ्रेंड से किसी दोस्त से किसी जानकार व्यक्ति से आपने लोन ली है तो वो आपका अनसिक्योर लोन में जाएगा। इसके बाद आपका है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर ये भी फिक्स एसेट है। कंप्यूटर ये भी आपका फिक्स एसेट में जाएगा। पेटी कैश कैश एन हैंड में जाएगा। परचेस अकाउंट में जाता है। इसके बाद सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट में जाता है। वेजेस
ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस ये किस ग्रुप के अंडर, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, अगर कमीशन रिसीव का लेजर बना रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में, आप उसे इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। बैड डेब्ट ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सेल्स मैनेजर सैलरी ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड ये आपका परचेस अकाउंट में जाएगा। और रिटर्न इनवर्ड ये आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लेजर्स कि जब भी हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो किस ग्रुप के अंडर जाएगा। तो ये मैंने सभी आपको एक्सप्लेन किए, इसमें सभी इम्पोर्टेंट लेजर थे। अगर हम किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में या फिर किसी भी संस्था में किसी फैक्ट्री में अगर हम वर्क कर रहे हैं टैली पर, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेजर थे। तो ये लेजर क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी लेजर किस ग्रुप में जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।